यार मेरे पास जुनैद आपके लिए, मुझे किसी ने कहा कि अगर इफ यू, वैसे आप बड़ी गहरी नजर रखते हो पाकिस्तान पे, एहसास तबीयत के आदमी हो, थोड़ा सा यार आवाम को थोड़ा साथ दो, थोड़ी खुशी दे दो, जो हालात चल रहे हैं परमानेंट नहीं है, तो जुनैद भी इधर रह रहा है, मैं भी इधर रह रहा हूँ, कहीं हम नहीं जा रहे, तो ये बता दो इनको यार रिलैक्स करो, ईजी हो जाओ, ये लोग उम्मीद होपलेस क्यों हो रहे हैं, जरा इनको थोड़ा बता दो, इनकरेज किया करो यार। मैं ऑब्वियसली जो एक मेरी जो ज़्यादातर जो मेरी फ़ैन बेस है वो यूथ है, 18 से 24 वाले, एंड ऑब्वियसली उनकी काफ़ी सारी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी पिछली गवर्नमेंट के साथ कह लें या वैसे कह लें ओवरऑल, मगर वो उनको अगर इस तरह लगा कि वो डिसइनफ्रेंचाइज हो रहे हैं या उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, मौके नहीं है या नौकरियां नहीं है, या दुनिया भर में जब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगले चांद पे जा रहे हैं हम जो है ना गांधी गार्डन नहीं पहुंच पा रहे, रोड टूटी हुई है, समझ रहे हैं, तो होपलेसनेस आ जाती है, इट्स वेरी नेचुरल। बट मैं सबको यही बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, इंसान हिजरत सुन्नत है भाई, अगर आपको ज़िंदगी कहीं यहाँ मुश्किल लग रही है, अगर आपके पास मीन्स है आप कहीं और ट्राई करें, मगर कितने चले जाएंगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, पीछे साढ़े, हाँ 1 करोड़, पीछे 23 करोड़ तो इधर ही रहना ना, तो उनको फिर इधर ही से निकालना है, जो भी निकालना है, मुश्किल हालात आते हैं, वो हर कौम पे आते हैं, घरों में भी आ जाते हैं, आपकी इनफरादी ज़िंदगी में भी आ जाते हैं, लेकिन लड़ना, और जब लड़ाई की बात हो तो शोएब अख्तर से बेहतरीन मिसाल ही कौन है कि भाई हम यहाँ लड़ने के लिए बैठे, हम यहाँ बैठे हैं बड़ी मजाक, बड़ा एक ईजी माहौल करने के लिए। फायजा आप भी बताना यार, हम कॉरपोरेशन क्यों नहीं बना सकते, बड़ी कॉरपोरेशन है यार ना, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ चलने को तैयार नहीं है। मैं एज अ सेलिब्रिटी किसी का इंटरव्यू करने को तैयार नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ, मेरा तो इतना नाम है, अपनी आम में रहूंगा। अच्छा व्हाई नॉट आई कैन नॉट कोलैबोरेट एज अ यूट्यूबर माइसेल्फ विद जुनैद, और जुनैद कोलैबोरेट मेरे साथ कर सके, या आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सके, हम क्यों नहीं कोऑपरेशन की तरफ, ऐसा नेशन क्यों नहीं जाते, नहीं होता अभी। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस मेनस्ट्रीम सेलिब्रिटीज एक्टर्स वगैरह, उनों के बीच में यू नो लोगों को होता है इट्स एन अनसेड अनरिटन अननोन थिंग ऑलमोस्ट टू द वो लाइक एक आम इंसान को शायद इतना नहीं पता होगा, बट एक थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है एजेंसीज और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, फ्रिक्शन होती है कि यार हम तो पूरा दिन काम करते हैं, व्हाई आर इन्फ्लुएंसर्स, तो हम लोग खुश नहीं होते कि अगर जुनैद का नाम या मेरा नाम अगर किसी को हम लोग प्रोग्रेस करें तो उसमें पाकिस्तान की भी एक भलाई है, हम वो नहीं देखते, हमें होता है कि कोई सक्सेसफुल है तो वो डायरेक्ट अटैक है हम पे, डायरेक्ट कंपटीशन है, यू नो कि अब जुनैद दे स्पेस फॉर एवरीबडी, ही इज डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम आल्सो डूइंग, बट इट डजंट मैटर बिकॉज इन जॉनरा फर्क है आपका, और इवन अगर सेम होगा तो देयर इज स्पेस, इनफ स्पेस फॉर बोथ ऑफ अस एंड मेनी मोर पीपल, बट यू नो व्हाट, यू आर ट्रेंड सेटर्स, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हो। हेलो चोई साहब, हमने तो कमाया बेचारा 1-1 लाख रुपए की वीडियो से, तुम कमाओगे 1 करोड़ रुपया, ऐसे ही आने वाले वक्तों में, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हम तो को फाउंडर्स में से ना, हम क्यों गिला करें, लेकिन जो ऑल द हेटर्स आर आउट देयर, दोज हु डोंट वांट टू सी यू, उनके लिए एक मीम तो बनता है यार, क्या चाह रहे हैं क्या करें, कुछ कह दो उनको फिर ब्रेक ले लेते हैं। What is the funniest thing you said? Hate us, but subscribe to our channels. Hate us, but do subscribe to our channels.